जा रहे हैं कुछ तो। द ग्रेट खली हुआ। तो फाइनली कुछ क्षेत्र ब्रह्म सरोवर कुक्षेत्र गीता जयंती समारोह। ये गाइस तो ये कुछ नज़ारे हैं। वाओ नाइस। गाइस 18 मंजिला मंदिर देखिए। फाइनली 18 मंजिला मंदिर। वाओ हॉट एयर बलून ये सब। फाइनली गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है हमने। और ये देखिए 18 मंजिला मंदिर और यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा बहुत ही प्यारा देखिए। पूरा शोरगुल ये बलून है। अभी तो नीचे है, अभी इसको हवा भरेंगे और ये ऊपर हवा में लहराएगा अभी। तो अभी हम लोग करेंगे राइड बलून में, तो दिखाता हूँ आपको। आज हूँ मैं कुक्षेत्र में। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज ट्रैफोटर। तो आज का व्लॉग होगा कुक्षेत्र से, तो देखते रहिए। तो गाइस दिस इज़ अ पैरासेलिंग। अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे मंदिर के साथ में ही है। तो गाइस अगर आपको दिखा देते हैं मेले में ऐसी कुछ झलकियाँ हैं। साइड में हूँ मैं अभी, ये देखो 18 मंजिला पूरी। गाइस एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ पैरासेलिंग हो रही है, ये एक्टिविटी कैसे होती है। ये देखिए यहाँ पे बलून है जो कि फुलाया जा रहा है। ये फूल जाएगा देन उसके बाद एक्टिविटी हो जाएगी। एक और कोशिश कर रहे हैं ये कार के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलून को फुलाया जा रहा है अच्छे से। ये देखिए बैलून फूलता हुआ, जबरदस्त फीलिंग है। और ये सब आप देख रहे हैं कुक्षेत्र हरियाणा से, हरियाणा जो कि करनाल के पास है, मेरे होम टाउन के पास। तो ये देखिए फिर से बैलून को फुलाया जा रहा है अच्छे से। ये देखिए काफ़ी टाइम लगता है इसको फूलने में। पूरी हवा दी जा रही है इसमें, हॉट एयर बैलून बोलते हैं इसको। तो ये कुछ सिलेंडर के माध्यम से हवा भरी जा रही है इसमें। देखिए रेडी होने वाला है, बस थोड़ी देर में हवा में होगा ये। तो कुछ ऐसा है, अगर पास से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कुछ ऐसा, अभी ये पूरा अभी पूरी भरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सिलेंडर चल रहा है, इसके थ्रू हॉट एयर दी जा रही है। नाइस। और अगर इसके विपरीत दिखाता हूँ तो यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। ये देखिए बहुत ही बड़ा एरिया है। ये देखिए गाइस अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा
कैसा संघर्ष करना पड़ता है इसको फुलाने के लिए। ये देखिए मैं आपको, ये देखिए गाइस अभी ये उठने ही वाला है। बस थोड़ा सा रहेगा गाइस, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखिए हवा यहाँ से छोड़ी जा रही है। हॉट एयर बैलून को फुलाया जा रहा है। यहाँ पे गीता महोत्सव 2023 कुक्षेत्र में है हम अभी। ये सब दिखा रहा हूँ मैं गीता महोत्सव के वहाँ से। तो यहाँ पे 24 दिसंबर तक है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक, आज है 9 दिसंबर। तो कुछ इस प्रकार, ये देखिए रेडी होने को है। फाइनली इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको फुलाने में। देखिए गाइस पूरा लहरा है, ये देखिए। ये देखिए गाइस लगभग ये फूल चुका है, अभी बस हवा में उड़ने के लिए तैयार है। तो अभी हवा तेज होने के बाद के कारण थोड़ा सा स्थगित किया गया है ये प्लान। थोड़ी सी देर में फिर से ट्राई करेंगे, फिर से फ्लाएंगे इसको। फाइनली दोबारा से हवा भर दी गई है। अब जाके देखेंगे कैसे होगा। तो फाइनली फूल रहा है गुब्बारा, जिसको कहते हैं हॉट एयर बैलून पैरासेलिंग, या फिर पैरासेलिंग तो कुछ और होता है, हॉट एयर बैलून है जो कि फुला रहे हैं। अभी फूल जाएगा तो उसके पास जाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम, फूल के तैयार हो जाएगा अब थोड़ी देर में। फाइनली यहाँ पे रिबन सेलिब्रेशन या रिबन कट के लिए आ रखे हैं मुख्य अतिथि। अब रिबन कट किया जाएगा, देन उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। नृत्य तक किया गया, उसके बाद रिबन कट करने की परंपरा शुरू हो गई है और रिबन कट किया जा रहा है। अब ये लो कट हो गया रिबन, तो क्लैपिंग के साथ एंजॉय। देखिए ये देखिए हमारे सर गुलाब देते हुए। फाइनली इसके बाद अब आगे की तरफ आ रहे हैं और फिर हमारा बैलून भी रेडी है। यहाँ हमारे साहब इंस्ट्रक्शन देते हुए थोड़ा सा, तो अभी
बस थोड़ा सा वेट और देन उसके बाद हॉट एयर बलून तैयार। फाइनली बलून फूल रहा है अच्छे से, ये देखिए। हवा भरते हुए हॉट एयर बलून रेडी हो रहे हैं, ये देखिए कितनी तेजी से हवा भरते हुए। फाइनली फूलने वाला है बलून, रेडी होने वाला है, बस थोड़ी सी देर और। देखिए कैसा प्रोसीजर है इसका, ये देखिए हॉट एयर छोड़ी जा रही है। थोड़ी सी देर में ये फूल जाएगा। यस ये ऊपर उठ गया, ये देखिए पूरे तरीके से। ये देखिए ये देखिए देखिए दोबारा शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा प्रोसेस है हवा देने का, देखा हवा दी जा रही है ऐसे फुलाने के लिए, एक ठंडी हवा और एक गर्म हवा। यहाँ से ठंडी हवा, देखिए कितने सारे पंछी आ गए हैं। नाइस, ये देखिए ये उठने वाला है, बस थोड़ा सा और टाइम, यानी ये गुब्बारा होगा हवा में। देखिए कैसा प्रयास किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत लगती है इसको फुलाने में। जितना अच्छा हवा में दिखता है उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसको फुलफिल करने के लिए। ये देखिए अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लोगों का तादाद जमा हो गया है थोड़ा थोड़ा देखने के लिए। हॉट एयर गैस छोड़ी जा रही है, बग हो गया था। वाओ नाइस, बस थोड़ी देर अभी होते हैं हवा में। देखिए कितनी मेहनत लग रही है। वाओ नाइस, ये देखिए। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये हवा में हो, अभी हवा में है। और देखिए गाइस, ये देखिए फाइनली खड़ा हो चुका है हवा में। यस कल दिखाया, वाओ नाइस, ये हवा में है आखिरकार, ये हवा में है।
ये देखिए फाइनली हवा में है इस टाइम, सफलता। वो ऊपर नहीं जाता है, वो नाइस। ये देखिए गाइस, नाउ हॉट एयर बलून इज रेडी फॉर द सर्विंग, अ ब्यूटीफुल सर्विस। ये देखिए कितनी मेहनत लगती है इसको, हॉट एयर बलून को आपको मैंने दिखाया आज लाइव ट्रैपोडर चैनल पे। ये देखिए गाइस, जब तो जहत लगी हुई है पूरी। नाइस, ये देखिए गाइस तो फाइनली रेडी है। ये देखिए कितनी लगातार होट एयर भर रहे हैं इसमें। ये देखिए गाइस, ये देखिए देखिए तैयारियां पूरी जोरों शोरों से, बस हो चुका है रेडी लगभग, और हवा भरेंगे थोड़ी सी अब। बस ये रेडी है अब उड़ने के लिए। ये देखिए नाइस, ये यहाँ के सर। देखिए गाइस नाइस, देखिए कुछ इस तरह से काम किया जाता है इसमें। ये देखिए जमतारा सा लग गया है सारा यहाँ पे, सारे लोग देखने के लिए आ रखे हैं। फाइनली हॉट एयर बलून इज रेडी, फाइनली हमारा हॉट एयर बलून इज रेडी। तो टेस्ट लिया जा रहा है पहले इसमें, तो देखिए ये रस्सियां बांधी हुई है इन्होंने साइड साइड में पूरी सही तरीके से सब पिलर के साथ। ये देखिए गाइस, नाउ 10-12 फीट की ऊंचाइयों में चला गया है। वाओ नाइस, अभी हम इसमें चढ़ेंगे भी। ये देखिए गाइस, नाउ इट इज रेडी। जितनी ज़्यादा गर्म गैस भरेंगे उतनी ही ऊपर जाएगा ये, और फिल्मों में नहीं दिखाते गैस भरी और चल दी है ऊपर की तरफ और अगले दिन उठते हैं वो, ये कुछ ऐसा ही है। थोड़ी और ऊपर जाने के बाद इस पर गैस भरने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए ऊपर चला गया, ये देखिए यहाँ से भी रस्सियाँ आ चुकी है ऊपर की तरफ। ये देखिए अब नीचे की तरफ लाएंगे और गेस्ट को बिठाएंगे। आपको दिखाया आज हॉट एयर बलून कैसे फुलाते हैं और कितना संघर्ष लगता है इसको फुलाने में। ये देखिए गाइस, ऐसे थोड़ा राइड मिल जाती है इसकी, हॉट एयर बलून्स की। ये देखिए, ये देखिए ऑफ दिस, मैं हूँ नारंग और आप देख रहे हैं ये ट्रैपोडर चैनल पे।
जो कि है ये ऑर्गेनाइज हुआ है कुरुक्षेत्र में। गीता महोत्सव चल रहा है अभी 7 दिसंबर से 24 दिसंबर। तो ये देखिए नीचे लाया गया है इसको, अब ये टेस्ट कर लिया गया है, अब नीचे लाएंगे इसको और उसके बाद बैठेंगे। तो फाइनली चीफ गेस्ट बैठ रहे हैं, उसके बाद हमारी बारी। विशाल हॉट एयर बलून के नीचे हम अभी इस टाइम। देखिए कितने बंदे आ रहे हैं। नाउ द हॉट एयर बलून इज रेडी टू मूव, रेडी टू फ्लाई विद द चीफ गेस्ट ऑनरेबल। अब देखिए बस मूव कर रहा है ये। ये देखिए तो थोड़ी देर में मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ये देखिए बस, ये देखिए ऊपर उठ रहा है। इसे ऊपर उठ चुका है। कैसे उठने वाला है नीचे ऊपर गया, फ्लाई कर गया। डिप्यूटी चेयरमैन है साहब। ये देखिए बस आ गए नीचे की तरफ। नाइस, ये देखिए पूरी हाइट पे हैं। वो देखिए चेयरमैन साहब जी। देखिए फूलों की माला, फूल बरस रहे हैं ऊपर से। पिलर में बांधे हुए हैं ये सब। और ये देखिए नीचे से कितनी हाइट है, 60 फीट के ऊपर है शायद ये। वाओ नाइस, वाओ ओहो, ये तो बहुत ऊपर चला गया। तो बहुत ऊपर चले गए। सारी पब्लिक देखती हुई हर्षोल्लास से। तो ये नीचे आ गया अब। तो इतना बड़ा ग्राउंड था ये जिसमें कि आप लोगों ने देखा हॉट एयर बलून। तो ये सब आप ट्राफोटो चैनल पर देख रहे हैं। गीता महोत्सव की तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से। तो हमारी बारी है अब ऊपर जाने की। तो ऊपर जाएंगे फिर से आएंगे। बस अब हमारी बारी है जाने की। देखिए ये कैसे चला जाता है ऊपर और कैसे आता नीचे,
ये ऊपर भी हवा, ऊपर भी जब जाता है तो गैस या आग लगाई जाती है, और नीचे जाता है तब भी आग जलाई जाती है। देखिए ये बैलेंस करते हैं ये सब टेक्नीशियंस। तो फाइनली उतर चुके हैं हमारे साबर, नाउ फिर से रेडी हो चुका है ऊपर हवा में उड़ने के लिए। ये देखिए कैसे उड़ाया जाता है, ये देखिए। तो ये ऐसे उड़ाया जाता है कुछ ऐसे हवा में, पहले फायर किया जाएगा, फायर किया देन ऊपर हवा में, और गैस भर गई है इस पर, गैस भर जाएगी इस पर, देन ये धीरे धीरे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो ये कुछ ऐसे, ये देखिए मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए बाय कर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। ये देखिए ऊपर पहुंच चुके हैं ये। फाइनली आपने देखा कैसे ये हवा में जाता है, अभी और ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा अनुभव। अब हम जाएंगे इसके बाद, हमारा नंबर है, देन उसके बाद बताते हैं कैसा अनुभव रहा हमारा। यस, फाइनली ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए और फिर से ऊपर जाते हुए। ये देखिए, ये देखिए ऊपर चले गए, ये देखिए ऊपर, वाओ, ये देखिए एकदम ऊपर चले गए हैं, वाओ, कुछ ज़्यादा ही हाइट होगी अब, नाइस। ये देखिए, ये देखिए, ये जाके अटक गया, यस, हो चुका है फाइनल। अब ये फिर से नीचे आता हुआ, ये देखिए नीचे आ गया। वाह, ये नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका है, यस। अब ये उतरेंगे सारे यहाँ से। देखिए स्पीच थी माननीय डिप्टी कमिश्नर जी की, तो उन्होंने स्पीच दी और उसके बाद अब हमारी शायद से बारी है, फाइनली अब हमारी बारी है, हमें जाना है यहाँ पे। ये बीच बिल्कुल पास से दिखा देते हैं तो अंदर ऐसा, और ये देखिए आग जलती रहती है और ये अंदर से ऐसा कुछ, वाओ नाइस। हम बैठ चुके हैं और ये देखिए होटल एयर बलून उतर गया है, ये देखिए गैस भरी जा रही है, अभी हम नीचे हैं ग्राउंड लेवल पे, कर रहे हैं ऊपर की तरफ, यस, ऊपर जाते हुए, यस, दो फर्स्ट टाइम इन हॉट एयर बलून।
देखिए ऊंचाइयों पे हम अभी, और ये सारा दृश्य देखिए, वाओ नाइस। ये देखिए कितने ऊपर आ चुके हम। तो ये देखिए सारा का सारा मनोरम दृश्य जो कि है कुशेश्वर में, वाओ नाइस। ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ऊपर आके, नाइस। ये दिख रहा है सारा ब्रह्म सरोवर भी दिख रहा है, वो देखो। यस यस यस, ये रहे हमारे सर और ये मैम ऋषि वाली। यस पूरी ऊंचाइयों पे आ गए हम भैया, पूरी ऊंचाइयों में। ये कम है अभी, कम है अभी, अभी और ऊंचाइयों में जा रहे हम। यस फूल बताए जाएंगे यार, फूलों की बारिश। यस तो ये बहुत ही अच्छा यादगार मोमेंट, सारे का सारा दिखा रहा कुक्षेत्र से। यस ये रस्ते ऊपर जाते हैं, जाते हैं रस्ते, अभी नीचे आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे लैंड करते हुए जमीन की तरफ। यस ये चिड़िया चक्कर लगा रही है, आरती कर रही है। वाह दोबारा से, हाँ शायद आरती कर रही हो, ये करते हैं अपने अपने, हाँ अपने अपने लेवल पे। ये यस देखिए ये इसका क्या प्रोसीजर है, आप मतलब ये जलाएंगे तो ऊपर जाएगा या? ये प्रेशर से ऊपर जाता है, हाँ प्रेशर कम होता है नीचे आता है, गैस का प्रेशर बनता है। अच्छा प्रेशर से ऊपर जाता है और प्रेशर कम होगा तो नीचे करनाल। यस इन भैया ने आज करवाया हमें, थैंक यू। तो देखिए फाइनली लैंड कर चुके हम और अब हम उतर रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, आप बच्चे ऊपर चढ़ चुके हैं और ये देखिए ऐसा है कुछ, ये इसको हैंडल है, ये दबा के प्रेशर निकलता है और ये हॉट एयर बलून कुछ ऐसा दिखता है। यस तो हम तो ले लिए सवारी, इनके बाद इनके बाद इनकी बारी है। नेक्स्ट ये ऊपर की तरफ जाएंगे अब गाइस, इसके बाद इनकी बारी है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन आल्सो, कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज। ये नया एक और है, एक और जा रहे हैं एक बार और, देखिए चले गए। नाइस तो एक बार फिर से ऊपर चला गया है बलून। आज था गीता महोत्सव का तीसरा दिन। तो गाइज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज। ये देखिए कंटिन्यूज बलून ऊपर और नीचे सवारियों को लेके जा रहे हैं।